तंज करता है करे हाथ पे पंजे वाला, तंज करता है करे हाथ पे पंजे वाला, जो फूल को अपना ले वो मुकद्दर वाला। आगामी 20 अप्रैल को भाई प्रदीप गांधी जी के कमल छाप पर बटन दबाकर उन्हें भारी बहुमत से विजय बनाए। कर्मठ और जुझारू व्यक्तित्व का धनी नवयुवक प्रदीप गांधी हर हालत में इस क्षेत्र से विजयी होकर जाए, हम सबका दायित्व है 20 अप्रैल को राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में एक ऐसे कीर्तिमान की स्थापना करें कि जो मतदान का बटन दबे, राजनांदगांव का कोई भी मतदाता मतदान के लिए आगे बढ़े और वो इस हद तक उत्साहित हो जाए कि वो हर हालत में कमल छाप पर ही बटन दबाए, इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, बल्कि विजय के सारे कीर्तिमान को तोड़ते हुए रिकॉर्ड मतों से विजयी हो, इसलिए प्रदीप गांधी को विजयी बनाने का मैं निवेदन करता हूं। प्रिय मतदाता भाइयों तथा बहनों, स्थिरता, सुशासन, समृद्धि एवं विश्व प्रतिष्ठा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में इस देश में स्थापित हुई है, इसलिए आप सबसे आग्रह है कि 20 तारीख को आप सब कमल के बटन को दबा करके भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री प्रदान करें। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश विश्व में अनेक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इन 50 वर्षों में आज़ादी के बाद गांव, गरीब और किसान, इनका विकास नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में अनेक दल की सरकारों ने जिस तरह से मिलकर के कार्य किया और एक नई प्रतिष्ठा विश्व में भारत की बढ़ाई है, इसके लिए आवश्यक है कि हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करें। गांव गरीब के लिए ये सरकार बहुत काम करत है। चारों डहार पक्का डामर के सड़क के निर्माण, चारों तरफ किसान के खुशहाली के लिए फसल बीमा योजना और गरीब व्यक्ति ला 2 रुपया किलो में गेहूं और 3 रुपया किलो में चाउर दे थे। ये सरकार है गांव गरीब और किसान के समृद्धि करे खातिर कदम ला आगू बढ़ाए। छत्तीसगढ़ राज के निर्माण करे के बाद ये सरकार है छत्तीसगढ़ के निर्माता ला धन्यवाद दे खातिर हमन अटल बिहारी वाजपेयी जी ला धन्यवाद दे के लिए ये प्रदेश में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाए। डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में 100 दिन के अंदर 4.5 लाख किसान परिवार के 150 करोड़ रुपया के कर्जा माफ हो है। हमारे घोषणा पत्र 5 साल के लिए सफा बात ला हम पूरा करेंगे, लेकिन आप सब ले निवेदन है ये मौका चूके एक मौका नहीं है। डाल के चूके बेंद्रा, अषाढ़ के चूके किसान, दोनों पछता थे, हमला ध्यान में रखना है। ये 20 तारीख के जो नोटिंग करवो ते नोटिंग मा हमला कमल के बटन ला चपकना है। कमल के बटन ला दबावो और कमल फूल खिल ही तो चारों मुड़ा भारतीय जनता पार्टी के राज्य स्थापित होई और भारतीय जनता पार्टी के राज मा कतेक खुशहाली है ये बात ला गांव के दुखू समारू और मंटोरा जाना थी। मैं हाँ आप ले निवेदन करे खातिर आ हूँ, ये मौका घेरी बेरी आने वाला नहीं है। सन 2020 मा भारत ला विकसित राष्ट्र बनाना है, एकर खातिर हमन ला मिलजुल करके ये देश मा फिर भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाना है। 13 दिन 13 महीना 13 साल के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ये सरकार है गठित हुई और जब सरकार है चलत है तो गांव में कतेक काम होते ये बात ला गांव में बैठे मनखे जाना थे। मैं तो यही बात ला कथो कि आप मोल सेवक मौका दो, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रहे तब तो काम करे, अब आप मोल मौका दो तो मैं अध्यक्ष के रूप सांसद के रूप में तुम्हारे छोटे भाई तुम्हार सुख दुख के साथी बन करके जब दिल्ली में बैठ करके राजनांदगांव संसदीय सीट के विकास के बात ला करूँ तो तुम्हार मन है खुशी से झूम उठी। मैं तुम्हार छोटे भाई हूँ, तुम्हार सुख दुख के साथी बन करके सदा काम करे हूँ। आज एक मौका आप दू तो निश्चित रूप से कर लाभ हमारे क्षेत्र ला मिली, क्षेत्र के जनता ला मिली। मोर संग पढ़िया, मोर संग लिखैया, मोर संग सुख दुख के साथी बने संगी संगवारी मन, दूर दूर तक के चिल्फी से लेकर के औंधी तक के जम्मो साथी मन मुला जाना थो, मैं तुमला जाना थो, एक दूसरा ला हम जाना थन तो ये मौका में हमला चूकना नहीं है।
मोर संगवारी के रूप में कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में ये देश में सोनिया गांधी आ गए। सोनिया गांधी विदेशी है। कांग्रेस जो ना देश ला आजादी दिलाई तेन कांग्रेस अब नहीं रहेगे, अब तो इटली के जो आ है सोनिया गांधी तेन है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व करते। एक बार कांग्रेस ला वोट देने वाला भाई मन भी अब कांग्रेस ला वोट मत देना, तुहर वोट है ये देश ला गुलाम बनाए के दिशा में कदम बढ़ा दी। और हमारे सामने हमारे छोटका भाई देवव्रत लड़ा थे, मैं हौला कही दे तय विधायक हस तो काबर चुनाव लड़ना है, और ते चुनाव लड़त हस तो इस्तीफा दे करके ते चुनाव लड़, मगर वो इस्तीफा नहीं दे थे, अब मैं इस्तीफा दे हूँ। और डॉक्टर रमन सिंह जी वहां ले चुनाव लड़त है, अब मोला दिल्ली भर पार्टी है सेवा का मौका दे है। आप सब ले निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपन कीमती वोट 20 तारीख के जब जहू तो अटल जी के काम और भारतीय जनता पार्टी के है कमल निशान एला देखना और कमल के बटन ला चपकना। 18 साल के जवान और 80 साल के सियान, संगमा दाई दीदी बहनी जम्मो संगवारी, कमल के बटन ला दबाना और भारतीय जनता पार्टी के फिल गुट के जो नारा है ते नारा ला सफल बनाना। आप सबके आशीर्वाद मिले ऐसे आशा और अपेक्षा मैं आज के अवसर पर आप सब ले करत हूँ। मैं सफा जगह पहुँच नहीं सकूँ एकर खातिर मैं आप ले निवेदन करत हूँ, आप अपन सहयोग आशीर्वाद स्नेह मोला प्रदान करना। आपके आशीर्वाद ले मैं यदि आगे बढ़त हूँ तो निश्चित रूप से आप सबके काम हूँ, ऐसे मैं आशा और अपेक्षा आज के अवसर पर मैं करना चाहत हूँ। आप सब ले पुनः निवेदन है कि आप अपन कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी और कमल के बटन ला दबा करके देना। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आप सब ले आशा और अपेक्षा रखत हूँ कि अवैया 20 तारीख के आप सब कमल के छाप मा बटन दबा करके मोला प्रचंड बहुमत से विजयी बनाऊ। मैं यहाँ चुनाव जीते के बाद जन जन के सेवा खातिर अब गांव गांव में पहुंचे के पूरा कोशिश करी हूँ। आप सब ले आशा है कि अवैया 20 तारीख के कमल के बटन ला दबाना और अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार दिल्ली में पुनः बनाना। अपन संगी संगवारी प्रदीप गांधी ला दिल्ली भेजना। मैं आपके साथी हूँ, संगवारी हूँ, दाई दीदी बहनी जम्मो संगवारी सुरता में राखू। 20 तारीख के कमल के बटन ला दबाना और अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार ला दोबारा बनाना। विकास की आंधी प्रदीप गांधी, बारी बारी अटल बिहारी। आगामी 20 अप्रैल 2004 को राजनांदगांव संसदीय सीट के प्रत्याशी कर्मठ जुझारू जन जन के नेता प्रदीप गांधी को कमल के निशान पर बटन दबाकर विजयी बनाएं।